बहुत खूबसूरत है वैसे ये तहरीर यार। जब अब्बा की तनख्वाह के पूरे 350 रुपए खर्च हो जाते तब अम्मा हमारा पसंदीदा पकवान तैयार करती। ला जी 350 जो तनख्वाह है ना अब्बा जी की, इसका मतलब है किसी बुजुर्ग आदमी ने लिखा हुआ। तरकीब ये थी कि सूखी रोटियों के टुकड़े कपड़े के पुराने थैले में जमा होते रहते और महीने के आखिरी दिनों में इन टुकड़ों की किस्मत खुलती। पानी में भिगोकर नरम करके उनके साथ एक दो मुट्ठी बची हुई दालें सिल बट्टे पर पिसे हुए मसाले के साथ देगची में डालकर पकने छोड़ दिया जाता। आए हाय, हत्ता के सूखी रोटी जो है वो गिल्ली करके तोते को डाल दे। हत्ता के सियानी माए थी, हत्ता के मजेदार हलीम सा बन जाता। माँ उसको हलीम कहती। हत्ता के मजेदार हलीम सा बन जाता। हम सब बच्चे वो हलीम उंगलियां चाट कर खत्म कर जाते। अम्मा के लिए सिर्फ देगची की तह में लगे कुछ टुकड़े ही बचते। हाय हाय हाय, अम्मा का कहना था कि खुरचन का मजा तुम लोग क्या जानो। हाय, ये है दलासा औलाद को। ये माए जो है ना, ये बहाने से बच्चों को खिलाने के चक्कर में ना इस तरह की बातें करती हैं। सुनो आगे। और अम्मा ऐसी सुगड़ थी कि एक दिन गोभी पकती, अगले दिन उस गोभी के पत्तों और डंठलों की सब्जी बनती। ये कहना मुश्किल हो जाता कि गोभी ज्यादा मजे की थी या उसके डंठलों की सब्जी। अम्मा जब भी बाजार जाती तो गफूर दर्जी की दुकान के कोने में पड़ी कतरनों की पोटली बना के ले आती। कुछ अरसे बाद ये कतरने तकिए के नए गलाफों में भर दी जाती, क्योंकि अम्मा के बकौल एक तो महंगी रुई खरीदो, फिर रुई के तकियों में जरा सीम पैदा कर लो। कैसे बचत वाले लोग थे। फिर कतरनों से भरे तकियों पर अम्मा रंग बिरंगे धागे से शेर काट देती। कभी लाड आ जाता तो हंसते हुए कहती, तुम शहजादे शहजादियों के तो नखरे ही नहीं समाते, सोते भी हो तो शायरी पर सर रख के सोते हो। ईद के मौका पर मोहल्ले भर के बच्चे गफूर दर्जी से कपड़े सिलवाते। हम जिद करते तो अम्मा कहती, वो तो मजबूरी में सिलवाते हैं क्योंकि उनके घरों में किसी को सीना जो नहीं आता। मैं तो अपने शहजादे शहजादियों के लिए हाथ से कपड़े सीऊंगी। और ये वाकई माए सिर्फ बच्चन तो एक तरफ है, दूसरा प्यार इतना औलाद से होता था, टाइम इतना बच्चों को देती थी कि वाकई चाह से शौक से बच्चों के कपड़े। हम बहन भाई जब जरा सियाने हुए तो हमें अजीब सा लगने लगा कि मोहल्ले के बाकी बच्चे बच्चियां तो नए नए रंगों के चमकीले से कपड़े पहनते हैं, मगर हमारे घर में सब एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। मगर अम्मा के इस जवाब से हम मुतमईन हो जाते कि एक से कपड़े पहनने से कुंबे में मोहब्बत कायम रहती है। और फिर ऐसे चटक मटक कपड़े बनाने का फायदा जिन्हें तुम ईद के बाद इस्तेमाल ही ना कर सको। वाह वाह, ये ज्यादा ये मजमून इसलिए प्यारा लगता है कि वाकई ये हकीकत सा हर शख्स को अपने घर की कहानी लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। छोटी ईद यूं भी वाहिद त्यौहार था जहां सब बच्चों को अब्बा एक एक रुपए वाला चांद तारे का सिक्का देते। उसके इंतजार और खर्च करने की मंसूबाबंदी में चांद रात आंखों में ही कट जाती। सुबह सुबह नमाज के बाद हम बच्चों की शॉपिंग शुरू हो जाती। सबसे पहले सब बहन भाई कोड़ू के ठेले से एक एक पन्नी वाली गोल ऐनक खरीदते जिसे पहनकर चाल में अतराहट सी आ जाती। बकर ईद पर सबके यहां कुर्बानी होती सिवाय हमारे, मगर यहां भी अम्मा की मंतक दिल को लगती कि जो लोग किसी वजह से दुनिया में कुर्बानी नहीं कर सकते अल्लाह मियां उनके बकरे ऊपर जमा करता रहता है। जब हम ऊपर जाएंगे तो एक साथ सब जानवर कुर्बान करेंगे। बहुत अच्छा। एक दफा गुड़िया ने पूछा, अम्मा क्या हम जल्दी ऊपर नहीं जा सकते? हर सवाल पर मुतमईन कर देने वाली अम्मा चुप सी हो गईं। हमें सहन में छोड़कर अकेले कमरे में चली गईं। हम बच्चों ने पहली बार कमरे से सिसकियों की आवाजें सुनी, मगर झांकने की हिम्मत नहीं हुई। हाय हाय हाय, समझ नहीं आया कि आखिर गुड़िया की बात पर रोने की क्या बात थी। हाय हाय हाय, कोई 6-7 माह बाद अम्मा बावर्ची खाने में काम करते करते गिर पड़ी। अब्बा नौकरी पर थे, हम सब स्कूल में। घर आकर पता चला कि आपा नसीबन अम्मा की चीख सुनकर दौड़ी दौड़ी आईं, फिर गली की नुक्कड़ पर बैठने वाले डॉक्टर मोहसन को बुला लाईं। डॉक्टर साहब ने कहा, अम्मा का दिल अचानक साथ छोड़ गया है। तदफीन के बाद एक रोज गुड़िया ने मेरा बाजू जोर से पकड़ लिया और ये कहते हुए फूट पड़ी कि खुद तो ऊपर जाकर अगली ईद पर अकेले अकेले बकरे काटेंगी, हमें यहां छोड़ गईं।